देखिए ये मंदिर कोई सभा नहीं है जहां सच झूठ का फैसला किया जाए। बातों से ही बात सुलझ। अम्मा जी ही यहां आकर सबको समझा सकती हैं। रुकिए रुकिए, मैं कह रहा हूं रुकिए। तुम हट जाओ भैया, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात ना? अरे मेरी बात सुनिए। शुरुआत की है, जिन्हें बुलाकर आपने अपने घर में पूजाएं की है। तब हमें मालूम नहीं था इन्होंने वृंदावन की पवित्र भूमि को कैसे कलंकित किया है। इनकी पूजा से वृंदावन का पुण्य हमेशा ही बढ़ा है। इन पर आरोप लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। अरे इसकी बातें क्यों सुन रहे हो तुम लोग? ये खुद उसी पाप का एक हिस्सा है। ये भी पापिन है, मैं तो कहता हूँ मारो ऐसे भी। खबरदार, अगर किसी ने बाबूजी और राधिका पर एक लाठी भी उठाई तो बहुत बुरा होगा। कहाँ गई आप सब लोगों की इंसानियत? किसने हक दिया है आपको किसी पर पत्थर उठाने का, किसी को पत्थर से मारने का? ये कोई जंगल राज नहीं है, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं।
यहाँ फैसले बातों से होते, ना कि लाठियों और पत्थरों से। ये कान्हा की नगरी है, यहाँ प्यार बसना चाहिए, नफरत। हाँ राजपुरोहित जी, हम भी उसी कान्हा की नगरी के लिए कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पुण्य बसना चाहिए, पाप नहीं। किस पाप की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं, आपकी शादी राधिका से हुई और विदाई शाखा की हो गई। ये बात आपसे छुपाई गई, परिवार से छुपाई गई, बल्कि सारे के सारे वृंदावन से छुपाई गई। अरे एक कुंवारी लड़की आपकी पत्नी बनकर रह रही है, और जो वास्तव में आपकी पत्नी है वो कुंवारी बनकर, ये पाप नहीं तो और क्या है? मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि झूठ कहा गया था शास्त्री जी, और मैं कुछ नहीं जानती। जिसने सच छुपाया था उसे बड़े महंत ने सजा दे दी, और वो सजा पूरी भी हो चुकी है, आप सब लोग जानते। हम आपकी बात कैसे मान लें? आप कह रहे हैं कि शास्त्री जी को कुछ पता ही नहीं था, जबकि शास्त्री जी स्वयं सबके सामने स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने अधर्म किया है, उनसे पाप हुआ है। बाबूजी, आपने ऐसा क्यों कहा? बाबूजी, आप अभी सबके सामने कह दीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। हाँ बाबूजी, बोलिए ना सबसे। रोहित जी, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। जो भी पाप हुआ, जो भी अधर्म हुआ, मैं उसका भागी हूं। मुझे दंड। पता नहीं शास्त्री जी वहां कैसे होंगे। विवेक फोन लगा ना बेटा। जी दादी। क्या हुआ, फोन लगा? नहीं दादी माँ, रिंग तो हो रही है लेकिन देव फोन ही नहीं उठा रहा। दादी माँ, दादी माँ, अरे आप दवाई तो खा लीजिए, तबीयत और बिगड़ जाएगी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। भैया, हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि शास्त्री जी के साथ सब ठीक हो। अगर हमारे शरीर में शक्ति ना रही तो फिर हमारा मन भी कमजोर पड़ जाएगा। लीजिए, दवा खा लीजिए। बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी। पता नहीं शादी की बात सुन के वृंदावन के लोग शास्त्री जी के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। आप ठीक कह रही दादी माँ, हम ऐसे में हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। तुम सही कह रहे हो विवेक, मेरे ख्याल से हमें वृंदावन चलना चाहिए। जी दादी माँ। बिरजू, गाड़ी निकालो, हम सब लोग वृंदावन जाएंगे। और सुन बिरजू, माँ को भी खबर कर देना। जी भैया। बाबूजी, आप ये मेरे घर से एक कुंवारी कन्या डोली में बैठकर विदा की गई एवं वो राजपुरोहित की पत्नी बनी। राजपुरोहित की ब्याहता कुंवारी बनकर मेरे घर में रही। आप लोग मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा,
कृपया मुझे दंड दीजिए। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, मुझे स्वीकार, मुझे दंड दीजिए बाबूजी, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। दंड तो मिलेगा और अवश्य मिलेगा, लेकिन इनके शरीर को जितना भी दंड दिया जाए कम होगा। दरअसल दंड तो इनकी आत्मा को मिलना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर के पुजारी होने के नाते जो पाप इन्होंने किया है, जो अधर्म इन्होंने किया है, दरअसल तो ये मंदिर के पुजारी होने के लायक ही नहीं है। एक ब्राह्मण होने का कोई हक नहीं है तुम्हें, एक ब्राह्मण की पहचान होती है उसका जनेऊ, उसका अभिमान होता है उसका जनेऊ, शास्त्री जी से उसका ब्राह्मणत्व छीन। इनका उल्टा उपनयन संस्कार करो, छीन लो इनसे इनका जनेऊ, इनका जनेऊ छीन लो। किसी के समझाने का कोई असर नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ वो लोग ये पाप पुण्य वगैरह को लेकर सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। जो भी हो रहा हो बड़ी बहू, टीवी वालों का तो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई होगी। मन तो हमारा बहुत कर रहा है वहां जाके तमाशा देखने का, पर बार बार चाची माँ की बात का विरोध करना ठीक नहीं लगता। हाय हाय बाबूजी, आप लोग यहाँ हैं? हम तो सारे घर में ढूंढ आए। क्या बात है बौरिया? विवेक भैया ने कहा है कि हम सभी लोगों को वृंदावन जाना है अभी। मुझे नहीं पता था चाचा जी कि भगवान आपकी इतनी जल्दी सुन लेता है। क्या सुन ली भगवान ने जी? कुछ नहीं बौरिया, हम लोग तो शास्त्री जी का सुख और दुख बांटने की बात कर रहे थे। बड़ी बहू, मन की मुराद पूरी करने में बंसी बजैया का जवाब नहीं है। राधे राधे। आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जी, सबको बता दीजिए कि आपने कोई अनर्थ नहीं किया है। ये जो पाप हुआ है आपको तो उसके बारे में पता भी नहीं था। पाप मैंने किया है जी, तो मेरा दोष आप अपने सिर क्यों ले रहे हैं? परिवार के पापों का फल परिवार के मुखिया को ही भुगतना होता है। जो भी पाप हुआ मेरे परिवार में ही हुआ, इस कारण इसके दंड का अधिकारी भी मैं हूं। नहीं बाबूजी, सरपंच जी, विधि आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। संस्कार शुरू किया जाए। बाबूजी बोल दीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। बाबूजी रुकिए, मुझे मुझे जाने दीजिए। बाबूजी मुझे जाने दीजिए। बाबूजी रुकिए, बाबूजी बाबूजी आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मुझे जाने दीजिए। बाबूजी सरपंच जी, बाबूजी हटिए, जाने दीजिए मुझे। पंडित बृजमोहन शास्त्री का जनेऊ निकाला जाए।
कर रहे हैं आप लोग? हटिए हटिए। बाबूजी ने कोई पाप नहीं किया है, इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने पर आप पाप कर रहे हैं। देखा भाइयों, इसे कहते हैं चोरी, उस पे सीना जोरी। राधिका जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। शास्त्री जी ने कोई पाप नहीं किया, वो तो कुछ जानते भी नहीं थे। आज इन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर लिया, लेकिन सच बात तो ये है कि हम सब परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं। परिस्थितियों के सामने तो भगवान खुद भी विवश हुए थे, वरना भगवान कृष्ण को समयान तक मणि चुराने का इल्जाम नहीं लगता। श्री राम एक सोने के हिरण का पीछा करने के कारण अपनी पत्नी को नहीं खोते। कभी कभी परिस्थितियां दोषी होती है, इंसान नहीं। पर इस बात को भी नहीं झुटला सकते कि एक कुंवारी कन्या आपके साथ सुहागन बन के रही, क्या ये पाप नहीं? क्या इसके लिए शास्त्री जी दोषी नहीं? ठीक है, अगर वो पाप हुआ है तो मेरे हाथ हुआ है, इसमें शास्त्री जी का कोई दोष नहीं है। पापी मैं हूं जो राधिका के साथ शादी करने के बाद विशाखा को विदा कर ले गया। वो मेरा घर था जहां इनकी अनब्याही बेटी दुल्हन बन के रह रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कहने दो राधिका, अगर पापी मैं हूं तो सजा शास्त्री जी को क्यों मिल रही है? ठीक भी है, पुरोहित जी अपनी पत्नी के बजाय किसी और को अपने साथ ले गए थे और उसके साथ रहे। दोषी तो राजपुरोहित हैं, तुम्हारी कन्या के साथ वही रहे थे ना, विवाह के सारे संस्कार राधिका के साथ और वैवाहिक जीवन विशाखा के साथ। असली पापी तो यही है, भाइयों यही पापी है। सरपंच जी, हमें लगता है दोषी शास्त्री जी नहीं है, राजपुरोहित ही है। हमें लगता है कि राजपुरोहित पीड़ित है, दोषी नहीं। पर सरपंच जी, ये एक कुंवारी कन्या का पति बनकर रह रहे थे। पर तब इन्हें ये पता नहीं था कि वो इनकी पत्नी नहीं है, इनके साथ तो धोखा हुआ है। हम उसे कैसे सजा दें जो खुद धोखे का शिकार हुआ हो? जाने में हुआ हो या अनजाने में, पाप तो हुआ है ना। जब राजपुरोहित राधिका से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांग रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि ये हमेशा से ही राधिका को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और इन्होंने विशाखा से कोई वैवाहिक संबंध रखा ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि विशाखा का कौमारी सुरक्षित रहा, अर्थात राजपुरोहित को सजा नहीं मिलेगी। तब तो राजपुरोहित को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये माफ कर देना चाहिए। चाहिए, पाप तो इन्होंने किया है। बहन जी, बहुत मुश्किल है, अगर बच्चा गिराया तो छोरी की जान जा सकत है।
कौन है आप और ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो एक दाई हूँ सरपंच जी, पिछले 30 सालों से हजारों बच्चे जनाए हैं मैंने और कईयों के पेट गिराए हैं मैंने। कहते हैं ना कि दाई से पेट नहीं छिपता। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आप तो कह गए कि विशाखा का कुमारापन सुरक्षित था, राजपुरोहित दोषी नहीं। मुझसे पूछिए, मुझे पता है क्या है सच। क्या है सच? विशाखा और राजपुरोहित में संबंध बन गए थे। और इस बात की गवाह है मैं हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि विशाखा पेट से थी और इनके बच्चे की माँ बनने वाली थी।